हेलो व्यूअर्स, मैं ललन सर पुनः उपस्थित हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल आर्यन अकेडमी में आप ही के लिए एक नए सवाल के साथ। यह सवाल जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही संबंधित है और क्लास ट्वेल्थ के लिए है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सब अलग अलग तरह का सवाल है, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग तरह का सवाल है। और क्लास ट्वेल्थ के लिए ऐसे व्यूअर्स के लिए है जो एग्जाम देंगे, अर्थात यह सेलेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे आप CBSE बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के। अर्थात यह क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड पर आधारित है या दोनों बोर्ड के लिए समान रूप से उपयोगी है। अब जो ये क्वेश्चन बोर्ड पे है उसको क्वेश्चन क्या है उसको पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है और हमसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन है इफ वाई इज इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वल टू जीरो। यानी कि अगर यह दिया हुआ है तो हमसे यह बोल रहा है प्रूफ करने के लिए यानी दिखाने के लिए। तो चूंकि यह दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं गिवन या हेयर, तो हेयर हेयर ही लिखते हैं। वाई इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स क्योंकि वेरिएबल पे वेरिएबल पावर है, इसके लिए हम क्या करते हैं लॉगरिथम दोनों साइड ले लेते हैं। टेकिंग लॉग रिथम ऑन बोथ साइड वी गेट देयरफॉर लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग अगर हम ले लिए हैं तो पावर लॉग में क्या होता है मल्टीपल हो जाता है और लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब हम इसको क्या करते हैं इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट देयरफॉर लॉग वाई का पहले वाई के सापेक्ष होगा क्योंकि यह पहले फंक्शन वाई का है फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। यू इन टू वी के फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं एक्स बोले तो यू लॉग एक्स बोले तो भी तो यू जस का तस यानी एक्स जस का तस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष प्लस लॉग एक्स यानी भी जस का तस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष और लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है एक्स एक्स कट गया प्लस लॉग एक्स इंटू वन वाई हम इस साइड भेज देते हैं तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये वाई इधर चला जाएगा तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ कट के वन हो गया एक्स एक्स और लॉग एक्स। इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब यहाँ पे यू इन टू वी के फॉर्म में पुनः आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट अगेन इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट देयरफॉर। अब हम इसको एक्स के डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर हम एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। उसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू जस के यू इंटू वी के फॉर्म है यहाँ पे तो वाई जस का तस डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष प्लस
वन प्लस लॉग एक्स का तस वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम फ्रॉम टू से इस स्टेप को क्या लिख सकते हैं, अगर यह वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस लॉग एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स फ्रॉम टू से, फ्रॉम टू से, हाँ फ्रॉम टू से इस स्टेप को लिख सकते हैं, फ्रॉम टू से वन प्लस, चूंकि लिख देते हैं हर तरह का स्टूडेंट होता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को, लॉग एक्स इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इस जगह पे पुट कर सकते हैं या लिख सकते हैं फ्रॉम टू से इसमें। अब इसको इक्वेशन थ्री दे देते हैं, पुट इन इक्वेशन थ्री देयर को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यहाँ y हो गया और ये वन कॉन्स्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा, log x का वन अपॉन x हो जाएगा, यानी कि y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x हो जाएगा। अब प्लस वन प्लस log x को, वन प्लस log x को ये लिख सकते हैं, वन अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से देयर, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वल के साइड ले आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो देयर फोर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी स्टेप को पहले लिख लेते हैं क्योंकि तो यहाँ पे है पहले लिखा हुआ, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, जो कि हमको यहाँ पे दिखाना था इसे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करेंगे, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा फिर भी, और सुझाव देंगे कि ये चैनल जो है कैसे आगे बढ़े, हम आपके सुझाव को भी देखते हैं और हम उस पर चलने का कोशिश करते हैं। आप ही लोग में से कितने लोगों के सुझाव और मार्गदर्शन से यह चैनल कुछ आगे बढ़ पाया है, और हम ऐसे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो अभी अभी इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा करके अपने सर ललन सर का मोटिवेशन करें, और जो व्यूअर्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम कल पुनः उपस्थित होंगे आपके बीच नए सवाल के साथ, और हम आपसे कहना चाहते हैं हम अलग अलग क्लास के लिए काम करना चाहते हैं, आप लोग मुझे मोटिवेशन करें ताकि हम अच्छा फील करें, धन्यवाद।